हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि पिक्सेल लैब से अलग अलग शेप कैसे बना सकते हैं अपने यूट्यूब थंबनेल के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग पिक्सेल लैब को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले मैं एक बड़ा सा पेज ले लेता हूँ तो आप लोगों को समझाने में अच्छा होगा। ठीक है, तो मैं थ्री डॉट में क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इमेज में आऊंगा और यहाँ पर कस्टम में जाके यूट्यूब थंबनेल ले लेता हूँ तो बड़ा हो जाएगा पेज, इस तरह से बड़ा हो जाएगा। और बीच वाला टेक्स्ट को यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों को डिलीट कर देना है। ठीक है, इस तरह से डिलीट कर दीजिएगा तो पेज हो गया। इसमें अभी किस तरह से आप लोग अलग अलग शेप बना सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले देखिए, एक दो तीन, तीन नंबर यहाँ पर देखिए क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए एक शेप का ऑप्शन है फ्रेंड्स, इस शेप में आप लोगों को एक बार क्लिक करना है। क्लिक जैसे कीजिएगा उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए शेप का इधर साइड में इसमें क्लिक कीजिएगा तो ऑलरेडी पहले से आपका शेप बना हुआ है, इसमें से भी आप लोग ले सकते हैं। लेकिन अपने से जो बनाना चाहते हैं उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिए सबसे पहले एक एक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए वाला कर क्लिक करूँगा और इसी का मैं दिखा देता हूँ। इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा, बड़ा छोटा करके एडजस्ट कर लीजिएगा और उसके बाद इसको कलर कर देंगे, अलग कलर कर देंगे, इस तरह से कोई भी अलग कलर कर दीजिएगा। तो मैं रेड रख दिया हूँ, उसके बाद ओके कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ओके हो गया। फिर इसका क्या करेंगे, यहाँ से जाके कॉपी कर लेंगे फ्रेंड्स, कॉपी कर लेंगे और इसको फिर आप लोगों को यहाँ पर जाना है, देखिए यहाँ पर कलर में, और इसको इस तरह से इनेबल कर दीजिएगा। इसका कलर आपको कोई भी रख सकते हैं, अलग कलर लेना है सिर्फ। ठीक है, मैं व्हाइट रखता हूँ और उसके बाद ओके कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर सेट करना पड़ेगा, देख सकते हैं इस तरह से सेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा इस तरह से सेट कर लीजिएगा और उसके बाद देखिए कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद इसमें क्लिक करके आपको लायर में जाना है, लायर में जाके दोनों को मर्ज कर देना है फ्रेंड्स, इस तरह से दोनों को मर्ज कर देना है और ओके कर देना है। तो देख सकते हैं ओके हो गया। उसके बाद बाहर आ जाना है, उसके बाद देखिए आपका एक शेप बन के रेडी हो गया। इस तरह से एडुकेशन के लिए बनाया जाता है बहुत सारा, तो इसको मैं कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद इस तरह से अलग टाइप का घुमा दूंगा इधर। ठीक है, ये भी एक हो गया इस तरह से। उसके बाद फिर इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद इसको फिर इस तरह से घुमा दूंगा और यहाँ पर लगा दूंगा। उसके बाद फिर एक बार कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद इसको फिर अलग घुमा देंगे इधर। ठीक है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से शेप बन गया है। फिर तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से शेप बन गया है। फिर अभी दूसरा वाला आप लोगों को सिखाएंगे। उसके लिए सबसे पहले देखिए उसी शेप में आपको क्लिक करना है, इस तरह से क्लिक जैसे कीजिएगा। यहाँ पर आपको इधर उधर नहीं करना है, जैसे मैं बताता हूँ इस तरह से इधर उधर नहीं होना है। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जैसे शेप में क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑटोमेटिक इधर आ जाएगा, इसको यहीं पर रहने देना है और ओके कर देना है। ठीक है, ओके कर दीजिएगा। उसके बाद फिर एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद यहाँ पर देखिए रेडियस, ठीक है, राउंडिंग वाला इस तरह से आप लोग थोड़ा घुमा लीजिएगा, इस तरह से घुमा लीजिएगा। उसके बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आ गया। उसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए फिर ओके करने के बाद फ्रेंड्स फिर बाहर में आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे कीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर फिर से आपको सेव ले लेना है। ठीक है, सेव में क्लिक कीजिएगा तो देखिए ऑटोमेटिक उसका ऊपर में लग गया। ठीक है, उसके बाद लग गया, उसके बाद ओके कर देना आपको। ठीक है, ओके कर दिए हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए इरेजर, इसमें आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक जैसे कीजिएगा यहाँ पर देखिए ए वाला ऑप्शन में आप लोगों को क्लिक करना है और उसके बाद बीच वाला में आप लोगों को क्लिक करना है और उसके बाद इसको इस तरह से एक कोना में इस तरह से लगा के छोड़ देना है और उसके बाद ये वाला चिन्ह में क्लिक करना है। उसके बाद फिर इसमें इधर लाना है और उसको फिर उसी जगह में क्लिक करना है। उसी तरह से दोनों को कर दिए, दोनों कोना में क्लिक, उसके बाद ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद उसके बाद फिर लायर में जाएंगे, लायर में जाने के बाद दोनों को लॉक कर देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स दोनों लॉक हो गया है इस तरह से, यानी मर्ज हो गया। ठीक है, इसको इस तरह से मर्ज कर देंगे फ्रेंड्स, मर्ज हो गया, लायर से हट जाएंगे। तो अभी देख सकते हैं ये भी एक शेप हो गया इस तरह से बनाया जाता है। उसके बाद अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसको कॉपी करेंगे तो इस तरह से शेप बन गया एक तो। इसको फिर कलर कर देंगे फ्रेंड्स, यहाँ से कलर कर देंगे तो देख सकते हैं वाला एक तो कलर ले लिए हैं। उसके बाद ओके कर देंगे, फिर इसका डुप्लीकेट ले लेंगे यानी कॉपी कर लेंगे। तो देख सकते हैं कॉपी हो गया, फिर इसको अलग कलर ले लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इसे कलर चेंज कर देंगे कोई भी, मैं एग्जांपल के लिए व्हाइट ही रखता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ इस तरह से। और उसके बाद इस तरह से इसको यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, इस तरह से लगा देना है तो देख सकते हैं। उसके बाद इसको भी लायर में जाके दोनों को मर्ज कर देना है इस तरह से। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह का भी एक शेप बन गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं दूसरा फिर दिखाऊंगा तो जगह खाली करना पड़ेगा, इसको सबको डिलीट कर देंगे। ठीक है, लायर में जाके डिलीट कर देंगे। मैं और एक तो दिखा देता हूँ आप लोग किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो डिलीट हो गया।
फिर दूसरा वाला आप लोगों को दिखा देते हैं। सेव में जाएंगे, सेव में जाने के बाद देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर सर्किल वाला आपको बताते हैं, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद ओके कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है, इसको कलर कर देंगे, अलग कलर कर देंगे यहाँ से, ठीक है, मैं ब्लैक रखूँगा, ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग कोई भी कलर रख सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद इसका भी कॉपी कर लेंगे, इस तरह से कॉपी हो गया फ्रेंड्स। कॉपी होने के बाद इसको कलर अभी दूसरा देना है, ठीक है, मैं दे देता हूँ व्हाइट, आप लोग कोई भी दे सकते हैं, इस तरह से हो गया। उसके बाद देखिए इस तरह से इसको भी एक सेप बन जाएगा, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये भी एक सेप बन गया। इसको भी इस तरह से लॉक कर दीजिएगा, यानी मर्ज कर दीजिएगा दोनों को और ओके कर दीजिएगा, तो देख सकते हैं हो गया, ये भी एक सेप हो गया, इसको भी कहीं भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा सेप बना सकते हैं फ्रेंड्स, अपने से थोड़ा सा दिमाग लगाने से बन जाता है बहुत। देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से एक सेप बन गया सर्किल वाला, इस तरह से बहुत ही अच्छा अच्छा आप लोग सेप बना सकते हैं। आप लोगों को सिर्फ इसमें ही आना है, ठीक है, 1 2 3 देख सकते हैं, और इस सेप में इसी से सब कुछ बन जाता है फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।